अष्टादश पुराणेषु व्यास द्वैवचनानि अर्थात 18 जो पुराण है उन 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत जो है उसका महत्व बताया गया है। और उस महत्वपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत यह पाया गया है कि जब भगवान कृष्ण सांदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए आए थे, उनका अध्ययन पूर्ण होने के बाद में सांदीपनी ऋषि से प्रार्थना करी भगवान से कि प्रभु मेरे 6 बच्चे थे उनके गयासुर नाम का राक्षस खा चुका है और सातों को ले जाके पाताल में छुपा हुआ है, आप सातों बच्चों को ला करके दीजिए। तब वो कहते हैं कि नहीं प्रभु, जो भगवान के घर चले जाते हैं उनको जीवित में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मृत्यु को जो प्राप्त हो गए उनके लिए व्यवस्था में करता हूँ। तो सप्तऋषि जिसमें कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, जमदग्नि, गौतम, इनकी उपस्थिति में भगवान कृष्ण ने उनके बच्चों का मोक्ष कराया। मोक्ष होने के बाद में भगवान ने फिर प्रार्थना करी कि प्रभु आगे जो है कलयुग में आने वाले नर नारी के लिए क्या सबूत रहेगा, तो भगवान ने अपने 16 चरण दिए जो अंदर भगवान के बने हुए 16 चरण, एक एक चरण एक एक तिथि का है। आज जैसे पूर्णमासी से श्राद्ध चालू होता है जो सर्व ऋतु पे अमावस्या पे जाकर के खत्म होता है, तो एक एक तिथि के दिन के हिसाब से दूध, जल, तुलसी पत्र, श्वेत मंजरी अर्पण करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यापार व्यवसाय धन दौलत घर परिवार में आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर महालय जो श्राद्ध माना जाता है, इस महालय श्राद्ध को मोक्ष गया के स्थान से माना जाता है क्योंकि यहाँ पर 4 गया जी का उल्लेख माना गया है, उसमें मोक्ष गया भगवान कृष्ण के द्वारा अर्पण की गई और हम सब कलयुग के नर नारी यहाँ पर इस चीज का पूरा पूरा फल। पूनम का दिन है और आज से श्राद्ध शुरू हो गए हैं, आज गया कोटा आए हैं और गया कोटा का 16 दिन का बहुत महत्व है। यह सप्तऋषि गुरु विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण के चरण है यहाँ पर और यहाँ आने से पूजा पाठ करने से सभी पितरों को दोष जो भी रहता है खत्म हो जाता है और पितृ का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ गया कोटा का इसका महत्व है, गया जी में जाओ और यहाँ आओ तो गया कोटा का वही गया जी का महत्व है।